हेलो स्टूडेंट्स, जब भी आप सीपीसी के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में अराइज होते हैं, जो कि होते हैं कि किस तरीके का लॉ है, किस तरीके से इसको अप्लाई किया गया था इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम आज ये पढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके का लॉ है। आपने अभी तक काफ़ी सारे कानून अभी तक पढ़े हैं। द लॉज आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, वन इज द सब्सटेंटिव लॉ एंड द सेकेंड वन इज प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो होते हैं विच क्रिएट्स राइट्स और लाइबिलिटीज। जब कोई कानून राइट्स या फिर लाइबिलिटी, आपके अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है, तो वो होता है सब्सटेंटिव लॉ। जब आपके राइट्स और लाइबिलिटीज डिटरमाइन होती हैं, तो होता है वो सब्सटेंटिव लॉ। सेकेंडली, जब ये राइट्स और लाइबिलिटीज किस तरीके से आप एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट में, वो होते हैं प्रोसीजरल लॉ। वो आपको आपके प्रोसीजर को बताता है कि अगर किसी आदमी ने चोरी की तो उसको पनिश किया जाना चाहिए, तो होता है सब्सटेंटिव लॉ। लेकिन प्रोसीजरल लॉ ये बताता है कि अगर किसी ने चोरी की तो वो पकड़ा जाएगा, पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करने के बाद में उसे सजा दी जाएगी। तो ये प्रोसीजरल लॉ होता है, सबसे पहले सब्सटेंटिव लॉ, जो जैसे कि आईपीसी, और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपका जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ये किस तरीके का कानून, क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है या फिर क्या ये प्रोसीजरल लॉ है? आंसर इज The CPC, the Code of Civil Procedure, neither it creates any rights, nor it fixes any liabilities upon any person. तो जब ये rights और liabilities को तय नहीं करता, तो ये किस तरीके का कानून है? ये आपके rights और liabilities को किस तरीके से आप enforce कर सकते हैं, वो procedure बताता है। So this is purely a procedural law, that is to say adjective law. तो ये हुई एक बात कि किस तरीके का कानून है। दूसरी बात, सीपीसी का हमारे हिंदुस्तान में किस तरीके का इतिहास है। आप जानते हैं कि सबसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे दरबार होते थे, और दरबार अपने डिस्क्रिशन के ऊपर किसी भी तरीके से कानून को लागू कर सकता था। लेकिन व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, प्रायर टू द पोजीशन ऑफ 1859, देयर वाज नो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बट इन 1859, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स इनेक्टेड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन इंडिया। लेकिन अब इसके कुछ डिफेक्ट थे। सबसे पहला डिफेक्ट ये था कि ये आपके पूरे इंडिया में लागू नहीं होता था, क्योंकि आपके जो प्रेसिडेंसी टाउन्स जो होते थे, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट और जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते थे, वहाँ पर लागू नहीं होता था। तो सबसे पहला तो ये डिफेक्ट था। इसको रिमूव करने के लिए उन्होंने कुछ अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस किए, बट दैट वॉज नॉट इनसफिशियंट। अल्टीमेटली 1877 एक नया कानून, एक नया सीपीसी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो भी इनसफिशियंट था। फिर 1882 में फिर से कुछ कोई एक नया सीपीसी आया, उसमें बार बार अमेंडमेंट भी किए गए, लेकिन फिर भी बावजूद इसके दैट वॉज डीम्ड इनसफिशियंट। अल्टीमेटली 1908, ये वो साल था जब सिविल प्रोसीजर कोड, विच इज स्टिल सब्सिस्टेंट इन आवर कंट्री, ये इनेक्ट किया गया था। इसको 1908 के अंदर इनेक्ट किया गया था। अब ये 1908 में जब इनेक्ट हुआ था, क्या तब से कोई अमेंडमेंट नहीं? अमेंडमेंट काफ़ी सारे गए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो थे, वो सबसे पहला 1951 में, 1956 में और 1976 में, 1951, 1956, 1976. 1976 में एक जस्टिस मलिमथ कमेटी, एक हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और उस जस्टिस मलिमथ कमेटी ने ये कहा कि आपका जो सीपीसी है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम खाता है ये। तो इसके लिए कुछ अमेंडमेंट फिर से 1999 में और 2002 में कुछ और अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। कुछ अमेंडमेंट इस तरीके से थे कि टाइम बाउंड जो ट्रायल था उसको सुनिश्चित किया गया। एक बात ये भी रखी गई कि एडजर्नमेंट जो थे वो बार बार कभी भी किसी भी तरीके से लिए जा सकते थे। सो द नंबर ऑफ एडजर्नमेंट इट वाज फिक्स्ड एज 3, तीन ही अमेंडमेंट अब लिए जा सकते थे। कुछ और प्रोविजंस टाइम बाउंड किए गए, रेस जुडिकेटा वो और कुछ ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, बहुत ज़्यादा कड़क किया गया, और जो रिटन स्टेटमेंट था उसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट, उसको टाइम बाउंड, जैसे रिटन स्टेटमेंट के लिए पहले कोई कितना भी टाइम लिया जा सकता था, तो अब उसको शॉर्टन कर दिया गया और 1 महीने, लेकिन इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता था 3 महीने तक। तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए ताकि ये सुनिश्चित किया जाए, ऐसा डिटरमाइन किया जाए कि ट्रायल जो है वो जल्दी निपट सके। सो दीज वर सर्टन अमेंडमेंट्स विच वर इंट्रोड्यूस इन सीपीसी। थैंक यू।